हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में अपने पुराने साउंड सिस्टम को ब्लूटूथ साउंड सिस्टम में कैसे बदलना है ये बताने वाला हूँ। इसके लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमारे पास ये MP3 डिकोडर बोर्ड है जो कि ब्लूटूथ के साथ में आता है, और इस बोर्ड को पावर सप्लाई देने के लिए 5 वोल्ट का ये 7805 वोल्टेज रेगुलेटर है। इसका यूज़ हम इसे सप्लाई देने के लिए करेंगे। इसके साथ में आपको RDA और पावर केबल के लिए 2 कनेक्टर्स मिलेंगे। और इस बोर्ड को आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। इस बोर्ड को मैं इसके सामने वाले भाग में यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ, क्योंकि इससे अच्छी जगह इसके लिए कहीं पर नहीं है। इसे मैं यहाँ पर फिक्स करके आपको बताता हूँ। ये देखिए, मैंने अपने पैनल को यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अब मैं इसके कनेक्शन आपको बताता हूँ कि इसके अंदर ये जो केबल्स हैं इनके कनेक्शन कहाँ पर होंगे। तो इसके कनेक्शन के लिए मैं इस अपने साउंड सिस्टम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम इसके 5 वोल्ट के जो कनेक्शन है उसको कर लेते हैं। ये हमारे पास रेगुलेटर है 7805, इसे हम 12 वोल्ट का इनपुट देंगे बोर्ड से अपने, और इसके बाद जो आउटपुट निकलेगा उसे हम अपने पैनल में देंगे। यहाँ पर जो स्क्रू दिखाई दे रहा है, मैं इस रेगुलेटर को यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम इसमें 12 वोल्ट का इनपुट देंगे। इसमें जो रेड वायर है वो प्लस है और जो ब्लैक वायर है वो माइनस है। पॉजिटिव वाले वायर को इसके फर्स्ट वाले पिन में लगाएंगे और जो बीच वाला पिन है उसमें नेगेटिव लगाएंगे, और इसके बाद जो 2 पॉइंट बचे हैं लास्ट वाला और बीच वाला, वहीं से हम 5 वोल्ट का आउटपुट ले लेंगे। तो चलिए मैं आपको इसके कनेक्शन करके दिखाता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे होंगे। यह मैंने अपने पैनल को पावर सप्लाई देने के लिए 5 वोल्ट का कनेक्शन कर लिया है। अब इसके बाद हम अपने ऑडियो केबल का कनेक्शन कर लेंगे। इसमें जो बीच वाला जो वायर है वो ग्राउंड के लिए है, और एक वायर जो लेफ्ट के लिए है और एक राइट के लिए, और एक जो रेड वाला वायर है ये एंटीना के लिए है, इसे हमें ऐसे ही छोड़ना होगा। इसमें जो लेफ्ट और राइट वाला जो वायर है इसके मैं यहाँ पर इनपुट में दे देता हूँ, और जो बीच वाला ग्राउंड पॉइंट है मैं इसी के बीच में जोड़ देता हूँ। तो चलिए मैं आपको इसके कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। ये हमारे RDA और पावर केबल के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको अपने पैनल में कनेक्ट कर देते हैं। सारे कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। चलिए मैं इसे ऑन कर लेता हूं। ब्लूटूथ मोड। मैं इसमें अपने पेन ड्राइव से गाना प्ले करके देख लेता हूं। प्ले बाय USB ड्राइव। Oh,
और इसमें अपन FM प्ले करके देख लेते हैं। Turn the mode. तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं इसके प्राइस के बारे में बता दूं तो आपको ये 200 रुपये में पूरा कंप्लीट हो जाएगा बोर्ड और रेगुलेटर के साथ में, और आप इसे लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन परचेसिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप कुछ पूछ भी सकते हैं मुझे। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।